नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बिहार में जो भी है यहाँ पे उन लोग को जमीन का जो बंटवारा होता है उसको, अब जमीन का जो बंटवारा है उसको हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, जमाबंदी कैसे अपडेट करेंगे, और अगर बंटवारा किया है तो उसका जो दस्तावेज है वो हम लोग कैसे बनाएंगे ताकि वो सब आपके अपने नाम पे हो जाए। आपके ने बाप दादा की जो जमीन है वो आप अपने नाम से कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए समझ लीजिए कि जमाबंदी अपने नाम से कैसे करें। इसमें आपको वंशावली, बंटवारा नामा, अन्य दस्तावेज, ये सब आपको कैसे बनेगा इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप अगर इसमें बनाना चाहते हैं जमीन से रिलेटिव कोई भी पेपर बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको पहले अगर डॉक्यूमेंट समझना होगा, हाँ किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। करना क्या होगा इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जो ये सब पेपर बनवाएंगे किस प्रकार से कैसे बनवाएंगे इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको जो इसका जो डिपार्टमेंट है वो है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना वंशावली बनवाना होगा, ठीक है। वंशावली का मतलब होता है जैसे कि आपके जो दादा है उनके जो पापा थे या उनके जो पिता थे या उनके पिता के जो पिता थे, आपको इस जो स्टेप है उसके हिसाब से एक वंशावली तैयार करना पड़ेगा कि अगर आपको जो जमीन मिला वो किस प्रकार से मिला। मान लीजिए आपके दादाजी थे और आपके दादाजी के जो पिताजी थे वो उनके दो बेटे थे, तो आपके दादाजी को कुछ हिस्सा मिला, कुछ हिस्सा उनके उनके दूसरे बेटों को मिला, ठीक। और आपके जो दादाजी है उनको जो है चार बेटा है या तीन बेटा है या दो बेटा है, उनको जो हिस्सा मिला उसमें से आपको कितना कितना मिला दोनों भाइयों में, इस प्रकार से आपको अपना पेपर बनाना होगा जिसको वंशावली कहते हैं। ये जो वंशावली है वो आपको कैसे बनाना है, पहले सबसे समझ लीजिए। वंशावली बनवाने के लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। अगर आप वंशावली बनाना चाहते हैं तो आपको मुखिया फिर सरपंच के पास जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको वंशावली बनाने के लिए करना होगा, जिसके बाद आपको इसका फॉर्म दिया जाएगा उनके यहाँ से। आप जब जाएंगे तो आप अपने वार्ड मेंबर भी है या अगर गांव में है तो मुखिया है, सरपंच है, उनके पास जाके आपको एक पेपर लेना होगा उनसे जो फॉर्म के टाइप का बन के आता है, ठीक है। उसके बाद जो भी उसमें डिटेल मांगा जाएगा, जो भी वो बोलेंगे उस प्रकार से उस डिटेल को भरना होगा, ठीक है। छाया पत्र लगाकर अपने मुखिया या सरपंच के पास जमा करना होगा, उसके बाद उनके द्वारा आपका वंशावली बन जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहां जाना पड़ेगा फॉर्म लेने के लिए, चाहे वार्ड में आकर है तो वार्ड, नगर निगम में तो वार्ड में पास जाएंगे, या गांव में तो आप अपने गांव में जो मुखिया है सरपंच है उनके पास जाएंगे, ठीक। उनसे एक फॉर्म लेंगे और उस फॉर्म को जो जो डिटेल उसमें मांगा जाएगा उसको फॉर्म को भरना होगा। फिर फॉर्म भरने के बाद आप वहां जाएंगे और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वहां उनसे मांगा जाएगा जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपको आधार कार्ड हो चाहे आपके फादर का आधार कार्ड हो, इस टाइप से देना होगा। फिर वो एक पेपर बना के आपके लिए वंशावली का जो है पेपर है वो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जब वंशावली आपको मिल जाएगा तो बंटवारा बनवाने के लिए आपको सबसे पहले वंशावली बनवाना होगा, उसके बाद आपको अपना वंशावली लेकर कोर्ट जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको जो है आपका डिपिट बनाना होगा, जिसको आप डिपिट के नाम से जानते हैं, आप डिपिट बनवाना होगा। इसके बाद जितना हिस्सेदारी है उन सभी का इस आप डिपिट पर हस्ताक्षर करना होगा। इस प्रकार से आप अपना बंटवारनामा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब आप जो वंशावली बनवाएंगे इसका जितना पेपर बनेगा और किस आदमी को कितना कितना वाला उसका जो पेपर होगा, ठीक है, वो सब पेपर के लिए पहले आप डिपिट बनवाना होगा वंशावली बनाने के बाद। और उसके बाद आप डिपिट बनाने के बाद इस सब पेपर का क्या करना पड़ेगा, जितने भी आदमी उसमें होंगे उन सभी का उसमें सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा, ठीक है, हाफी डिपिट पे, ठीक। इसके बाद रिक्वायर्ड जो आपको डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, जो अगर आप बनवाने जाएंगे बंटवारनामा का पेपर जो बनवाए जाएंगे अलग अलग सभी सबों के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो पेपर बना के रखेंगे
उसमें आपको जो है जैसे तीन भाई हैं या चार भाई, उसमें अलग अलग बंटवारा नामा हो रहा है, तो सबका अपना अपना एक पेपर बना, बंसावली वाला पेपर बना बनना होगा, या आपको जो एक ही पेपर बनेगा उसका जीरोक्स आप सबको अलग अलग करना होगा। ठीक, मान लीजिए एक आदमी कोई गए बंसावली बनवाए, ठीक, एक आदमी अपने नाम पे, चार भाई का भैयारी आपका, ठीक, चार भाई हैं तो बंसावली बनवा लिए, तो आप लोग को एक ही बंसावली बना, उसमें चार भाई का नाम आपको लिखा गया और चार भाई में आपका कितना जमीन है या आपको कितना मिला वो उसमें लिखा होगा। ठीक, इस प्रकार से आपका पेपर तैयार हो गया, ये पेपर हो गया बंसावली वाला पेपर। साथ में जितने आदमी जाएंगे उन सबको अपना अपना, मान तीन भाई, तीनों भाई को उस बंसावली का एक एक जीरोक्स मिल जाएगा। ठीक है, सबका एक एक पेपर बन जाएगा। और बनने के बाद जो मृतक व्यक्ति हैं, जो जैसे कि आपके दादाजी होंगे या जो भी हैं, उनका जो पेपर होगा वो पेपर, या आपके पिताजी हैं उनका जो पेपर होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो आपको वहां पे लेके जाना होगा, वो दिखाना होगा। ठीक, बंटवारा नामक कागज जो आपका अलग अलग जो बंटवारा किया गया होगा वो आपको दिखाना होगा, जो आपका मौखिक जैसे करते हैं ना कि इतना आपका, वो आपको कागज जो बना होगा बंटवारा नामा वाला वो भी कल आपको लेके जाना होगा। वंशावली आपको जो बनवाए हैं वो भी आपको लेके जाना होगा। फिर आपका जो जमीन के कागजात है, जितना ही जमीन है, मान के चलो एक कट्टा है या दो कट्टा है, जितना जमीन है उसमें किसको कितना कितना मिला या कितना कितना डिवाइड हुआ, वो भी पेपर आपको लेके जाना है, क्योंकि वो पेपर आप सबों के पास रहेगा कि एक कट्टा जमीन था, इसमें आपको दस दूर आपको इस टाइप से, या मतलब इस टाइप से इतना 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 सबको मिला है, इसलिए पेपर सबके पास रहेगा। इसके बाद जमीन का जो कागज हो गया, इसके बाद एक एक पहचान पत्र आप लोग का लगेगा, जिसको वोटर आईडी कार्ड कहते हैं, तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, आप एक एक पेपर इसमें लेके जाएंगे। ठीक है, तब जाके एक अच्छे से वकील से बात करके आप अपना पेपर को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेंगे, जिन लोगों में आपको अपना करना होगा, करवाना होगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कि जमीन का जो बंटवारा अगर मौखिक रूप से कर दिया जाता था, जो कि अभी भी कुछ चलता है, तो दिक्कतें क्या होती थी कि अगर आपके नाम पे जितना जमीन का बंटवारा किया गया तो आपने अपने हिस्से का तो बेच दिया, किसी कारण से बेच दिया, और वो जमीन में क्या हो गया, बाद में वही जमीन पे कल होके आपके जो बेटे हैं या पोते हैं वो कल आके उस पर हक जमाएंगे कि नहीं ये जमीन तो मेरा था, आपने कैसे बेच दिया, पेपर नहीं आपके पास, तो इस कंडीशन आपको दिक्कत होगा। तो अगर आपका पेपर जैसे ही एक कट्ठा जमीन है, आपका पेपर अलग अलग बना रहेगा कि भैया एक कट्ठा जमीन था और एक कट्ठा में दो धुर आपका, दो धुर मेरा, दस धुर आपका, इस टाइप से पेपर जो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैंने अपना जमीन जो दो दूर था, मेरा जमीन इतना जमीन मैंने उसको बेचा है, तो बस पेपर रहेगा बजट। और जिन लोग जिन्होंने ये पेपर से अपना जमीन वो परचेज करेंगे, जो लेंगे, तो आपको कभी भी इस प्रकार का सीन नहीं क्रिएट होगा कि वहां पर आपको जो अभी जो विवाद हो जाता है जमीन को लेके, किसी भी बहुत बड़ा समस्या बन जाता है जमीन को लेके, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि बंटवारा नाम आपको बना रहेगा, एक कट्ठा जमीन हो चाहे दस कट्ठा जमीन हो कोई मतलब नहीं, सबका अपना अलग अलग पेपर रहेगा, इतना इतना जमीन बंटवारा किया गया, क्योंकि वंशावली के अनुसार सबके पास वंशावली बना रहेगा कि इतने चार भाई थे, चार भाई को इतना इतना मिला, तो पेपर है। तो कभी भी भविष्य में आपको, अगर आप आगे के टाइम में आप बनाते हैं, आगे पेपर जाता है आपको, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आपका नहीं होगा और आपके इस प्रकार से बंटवारा नामा का पेपर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का जो जरूरी वीडियो, जरूरी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताता रहूं। और इससे जुड़ी किसी भी समस्या का अगर आपके पास निदान नहीं हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।